दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रोके के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज तीन होम्योपैथिक मेडिसन और उनके मिले जुले एक लक्षण के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको शुगर की वजह से आपका पैर सुन्न होता है, पंजा सुन्न होता है और आप चलते चलते आपकी चप्पल निकल जाती हैं, तो इसके लिए दो होम्योपैथिक मेडिसन है। या तो आप कोस्टिकम ले सकते हैं 1 ml में। अगर आपको कोस्टिकम से आराम नहीं लगता तो आप दूसरी मेडिसिन है सीकेल कोर 200 पोटेंसी में, उसको आप ले सकते हैं। और दोस्तों अगर यही समस्या आपको लंबर स्पॉन्डोलाइटिस की वजह से हो, यानी कि आपके जो कूल्हे की हड्डी है, जो कूल्हे का जोड़ है, उसमें किसी तकलीफ के कारण हो और आप चलते चलते आपकी चप्पल निकल जाती है या आपको पैर में ठोकर लग जाती है और आपको पता नहीं चलता क्योंकि आपका पैर सुन्न है, तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है कोबाल्टम 30, तीन तीन बूंदे सुबह शाम लीजिए। दोस्तों अगर आप कोस्टिकम लेते हैं तो आप हफ्ते में एक बार लेंगे, 1 ml की एक डोज लेंगे, 2 से 3 बूंदे। अगर आपको कोस्टिकम से आराम नहीं लगता तो आप सीकेल कोर लेंगे 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी, 3 से 4 बूंद सुबह शाम लेंगे। और अगर आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से है तो आप लेंगे कोबाल्टम 30 ले सकते हैं या 200 ले सकते हैं, 3 से 4 बूंदे सुबह शाम। दोस्तों इस मेडिसिन के कैसे रिजल्ट आपको मिलते हैं, कितना आराम आपको होता है आप हमें बता सकते हैं। आपकी कोई क्वारी है या आपको कोई समस्या है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, और उसका होम्योपैथिक सॉल्यूशन बताएंगे। धन्यवाद।